मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। मैं मनोज सर, MS अकेडमी प्रयागराज से। देखिए बेटा, हम लोग जिस मिशन में चल रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। हम लोगों का मिशन है यूपी बोर्ड 2011 को बहुत अच्छे से क्रैक करना है। हमें जीव विज्ञान में 100% नंबर लाना है और हर हाल में लाना है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए, आपका संकल्प होना चाहिए। आपको मेरे तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपके अंदर भी लगन होनी चाहिए। कुछ लड़कों के द्वारा इंटरेस्ट लिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं और इंटरेस्ट लें। कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखें। और जो बच्चे रेगुलर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। जहाँ पे कंपटीशन होता है वहीं पे पढ़ाई होती है बेटा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कंपटीशन नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये समझ बैठते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और वहीं पर हम नुकसान उठाते हैं। आप लोग से एक निवेदन और है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, तो बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा उत्साह बढ़ेगा। ये आप लोग जानते ही हैं। तो अब हम आपके साथ फिर से हम चलें बढ़ें। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? पुष्पी पादपों में पौधों में जनन, इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावरिंग, सॉरी रिप्रोडक्शन। इन फ्लावरिंग प्लांट, ओके, हम लोग इसी पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस हो गया, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग बात करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये देखें, फीमेल सेक्स ऑर्गन की हम लोग बात करें। तो एक तो बात यही हो गया, एक नंबर का क्वेश्चन, फीमेल सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? मादा जननांग, ये देखिए, पुष्पी पादपों में मादा जननांग का नाम क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन यही हो गया। और कभी आपको ये हो सकता है कि मादा जननांग आपको समझ में, जो भी सेंटेंस आपको समझ में ना आए, तो क्वेश्चन जब आप बोर्ड के एग्जाम में देखिएगा, क्वेश्चन पेपर को जब आप पढ़िएगा, तो इंग्लिश वर्जन को जरूर आप लोग देखिएगा, जहां पर बात आपको समझ में ना आए तो गलतियां नहीं होगी, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम ये देखें फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? गाइनो सीएम कहेंगे, हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर हो गया, ओके। अब स्त्री केसर क्या है, इस बात को हम लोग डिस्कस करें। देखिए बेटा, गाइनोसियम हम लोग गाइनोसियम की बात करें, गाइनोसियम इसकी यूनिट क्या होती है? कार्पेल, जिसको हम इकाई बोलते हैं। एक कार्पेल में ये देखिए, यहां पर
इसको हम क्या कहेंगे, स्टिग्मा, इसे क्या कहेंगे, स्टाइल, इसकी हिंदी हम पीछे वाले वीडियो में लिखे हुए हैं, याद रखेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, ओवरी, जिसको अंडाशय कहेंगे। स्टाइल को वर्तिका कहते हैं और इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। इस ओवरी में अंडाशय जिसको कहेंगे, यहाँ पर ये देखिए क्या पाया जाता है, ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ पाया जाएगा, अंडाशय या ओवरी में पाया जाएगा। तो एक कार्पेल में तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओव्यूल इस ओवरी का भाग है। सारी चीज़ें हमको यही पढ़नी है, ओव्यूल के बारे में ही पढ़ना है, इसी के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गया। यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन की बात नहीं आएगी, जब भी आएगी तो ये आएगी यूनिट के बारे में, जिसको हम कार्पेल कहेंगे। अब हम क्वेश्चन को देखें कहाँ पे बन रहा है। क्वेश्चन बनने का जो स्थान है वो है ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ पाया जा रहा है, ओव्यूल पाया जा रहा है ओवरी में। तो ओवरी का ये पार्ट होता है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ओव्यूल, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ओव्यूल पुष्पी पादपों का, पुष्पी पादपों में सामान्य ओव्यूल को केवल डायग्राम, नामांकित चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। एक ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई, दूसरी बात हमें क्या है, इसमें कहा जाएगा आपसे और नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये कहा जाएगा कि पुष्पी पादपों में ओव्यूल की संरचना का वर्णन कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, चित्र बनाना होगा। और देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, टीवी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप जरा देखें। ओव्यूल, ये देखिए, पुष्पी पौधों में ओव्यूल को केवल नामांकित चित्र की सहायता से प्रदर्शित करिए या वर्णन कीजिए। ठीक है, केवल शब्द यहाँ पे लगा, केवल नामांकित चित्र बनाना है। अब आप ये सोचिए कि अगर हमें किसी का स्ट्रक्चर मालूम है, किसी की संरचना मालूम है, तो हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि उसको हम कैसे लिख लें। लिख ले जाएंगे आप, रटने की भी जरूरत नहीं है। ये क्षमता हमें आपको विकसित करनी है। मैं आपके अंदर ये क्षमता विकसित करूँगा। और बायोलॉजी में आप जब बोर्ड की परीक्षा देंगे तो केवल चित्र आपको याद रहेगा, लिखने वाली बात आपको कोई चीज़ याद नहीं रहेगी, तब भी आप पूरा का पूरा लिख ले जाएंगे और आपको 100% नंबर मिलेगा, ये दावा कर रहा हूँ मैं। आगे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ये हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, पुष्पी पौधों में ओव्यूल को नामांकित चित्र की सहायता, केवल यहाँ से हट गया, नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए, दूसरा हो गया। तो वहां पर आपको लिखना भी है और डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, तो फिर इससे और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं, ओव्यूल के प्रकार के बारे में पूछा जाता है। ये देखिए, ये ठीक है, तो ओव्यूल सेंटेंस। अब इसके अंदर हम चलेंगे तो क्या क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में हम देखेंगे। बहुत सरल है, केवल ध्यान देने की बात है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखें, ओव्यूल की संरचना, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश में, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये देखें आप, अब हमें
ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बेटा, ये अब आपको देखना है, आपको देखने में वैसे फिगर लगेगा कि बहुत टिपिकल है, लेकिन देखिए कितना सरल हो जाएगा। ऐसे आप बना लेंगे, फिर आप देखिए क्या करिए, सेल को भर दीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए हमें सीखना भी है, पढ़ना भी है, और हमें स्ट्रांग भी बनना है। ये जरा देखिए, ये देखिए कितना सिंपल होता चला जा रहा है। कुछ नहीं आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में केवल बनाने की ज़रूरत है। ये देखिए, अब इस चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा, इसे आप छोड़ देंगे, इसके किनारे किनारे ये सब जो चीज़ें हैं सब भर देंगे। देखिए ये मैं भर दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, तो आप ये देख लेंगे, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए सारी चीज़ें दिख रही हैं ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस थैली नुमा जो संरचना है, साइक लाइक जो संरचना है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये फिगर, फिर यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये और ये देखिए फिगर, फिर यहाँ पे ज़रा देखिए, 1 2 3, ये और यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देना, ये देखिए। ओके, कितना सिंपल था, अच्छा सा फिगर आप बना ले जाएंगे और समय भी नहीं लगेगा। एग्जाम में क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि समय को बचाने के लिए हम एक छोटा सा फिगर बनाएंगे, बहुत बड़ा फिगर मत बनाइएगा, पूरे पेज में कर देंगे तो आपको फिलअप करने में समय लगेगा, इसलिए आप छोटा सा एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसकी लेबलिंग कर दें। जैसे हम इसको कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट। अब जरा देखिए, जैसे आपको स्पेलिंग याद नहीं है तो आप इसी चीज को हिंदी में लिख दीजिएगा, आउटर इंटेगुमेंट। गलत नहीं है बेटा, दम सही है। ठीक है, हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं, वाह चोल हो जाएगा, वाह आवरण हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको इस तरह से याद किए रहेंगे तो इसी चीज को हम हिंदी में लिख देंगे, ये जरूरी नहीं है कि आपको स्पेलिंग याद हो। अब जरा देखिए, फिर ये भीतर पाया जा रहा है, इसे हम इनर इंटेगुमेंट कहेंगे, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे देखिए, यहां पे इसको हम क्या कहेंगे, कैलेजा, हिंदी में आप लिख देंगे चले जा, ऐसे कर देंगे। फिर इसको हम क्या कहेंगे, यहां पे देखिए माइक्रोपाइल, ये देखिए ये माइक्रोपाइल हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए ये, इसको हम कहेंगे फ्यूनिकल, ये देखिए ये फ्यूनिकल क्या है, ओवरी की दीवार से लगा होता है। यहाँ पे देखिए हमने क्या बनाया था, ऐसे बनाया था, ये ओवरी बनाया था ना, तो यहाँ पे देखिए ये ओवरी की दीवार से लगा है, किससे जुड़ा हुआ है, फ्यूनिकल से।
ओके क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहा है, गड्ढा दिखाई दे रहा है, हाइलम या इसको हम क्या कहते हैं, हाइलस, ये हाइलम या हाइलस कहेंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है, ये देखिए, ये देखिए दो सेल है, इसको हम सिनर्जिड सेल्स कहेंगे, हिंदी में लिख देंगे। इसके बाद इसको हम एग कहेंगे, ठीक है, और इसको हम जरा देखिए सेकेंडरी सेल, द्वितीय कोशिका, और यहाँ पर ये जो तीन आपको दिख रहा है इसको हम नाम देते हैं पोलर बॉडी कहिए, पोलर न्यूक्लियाई कह दीजिए, पोलर सेल्स कह दीजिए, ये हो गया, ठीक बेटा। और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी संरचना कहलाती है एम्ब्रियो सैक, हिंदी में भ्रूण कोश कहेंगे, क्या कहेंगे, भ्रूण कोश, कोश मीन्स खाली जगह, स्थान, थैला। तो भ्रूण कोश में क्या क्या पाया जाता है तो हम ये देख रहे हैं। तो अब जरा देखें, ये बन गया। अब हमको क्या करना है, फिगर बनाने के लिए कहा हमने, इन्हें फिगर सुंदर सा बना दिया और ये हमको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, निश्चित पूरा का पूरा। दो नंबर का सवाल है, दो का दो नंबर मिलेगा। अब हमें देखना लिखना कैसे है, तो हम इसको देख रहे हैं, लिखेंगे कि अब यहां पे मैं पॉइंट वाइज मेंशन कर रहा हूं। अगर मेन मेन बात आपको याद रहेगी तो आप लिख ले जाएंगे कि जो पुष्पी पौधों में ओव्यूल होता है वो ओव्यूल अधिकांशतः कैसा होगा, एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, ये ऐसे लिख देंगे, एनाट्रोपस हिंदी में लिख देंगे बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, एनाट्रोपस याद रखना है। फिर यहां पे देखिए, प्रत्येक ओव्यूल में दो छोर पाए जाते हैं, एक चैलजा, दूसरा माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल की ओर एक छिद्र पाया जाता है, इसको माइक्रोपाइल ही कहते हैं, दूसरे छोर पर, और जिससे ओव्यूल ओवरीज की दीवार से लगा होता है उसको फ्यूनिकल कहेंगे। माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल के पास देखिए गड्ढा है, इसको क्या कहेंगे, हाइलम। फिगर में सब कुछ दिख रहा है, ऐसे लिखते जाना है जैसे मैं कह रहा हूँ। ओव्यूल में दो आवरण पाया जाता है, एक बाहरी आवरण, दूसरा भीतरी आवरण, देखिए एकदम लिखते चले जाएंगे। ओव्यूल में दो आवरण पाए जाते हैं, बाहरी आवरण, भीतरी आवरण पाया जाता है, हो गया पूरा लिख दिया। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे कि ओव्यूल के अंदर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ऐसे लिख लेना है। भ्रूण कोष कहते हैं, लिख दिया आपने, और भ्रूण कोष में ये एक नंबर भी बेटा पूछा जाता है, भ्रूण कोष में सात कोशिकाएं होती हैं, देखिएगा, दो सिनर्जिड सेल हो गए बेटा, ध्यान से देखो, दो सिनर्जिड सेल्स हो गए, एक एग हो गया, एक एग हो गया, एक सेकेंडरी सेल हो गया, और पोलर न्यूक्लियाई वाले तीन सेल ये हो गए। तो कितने सेल हो गए, तीन, चार, पांच, दो, सात। लेकिन अगर हम केंद्रक की बात करें, देखो इसमें कितना होगा, सेवन सेल्स ना, और कितने केंद्रक हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, आठ न्यूक्लियाई मतलब केंद्रक। कैसा होता है एम्ब्रियो सैक, क्या होता है, सात कोश की आठ केंद्रक की, ये आपसे एक नंबर में पूछा जाता है। दो केंद्रक कहां पाया जा रहा है, सेकेंडरी सेल में, ठीक है। और यहां पे जरा देखिए, और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनर्जिड
सेल्स प्लस एग, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? एग एपरेटस, मतलब अंड उपकरण। ये देखिए, एग उपकरण हो गया बेटा, ठीक है। तो ये देखिए, आप फिगर बना लें, कितना सरल है, बहुत जल्दी से लिख ले जाएंगे। क्लियर, इसको हम मिटाए। अब इसके दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचे, चाहे लिखने के लिए कहा जाए, चाहे वो कहा जाए, ये आप कर ले जाएंगे। अब ये कितने प्रकार का होता है इसको हम देखें, ठीक। देखिए बेटा, ओव्यूल के प्रकार, नंबर वन ऑर्थोट्रोपस, दूसरा एनाट्रोपस, तीसरा हेमीट्रोपस, चौथा एम्फीट्रोपस, पांचवा यहाँ हेमी एना करेंगे, कंपाइलोट्रापस छठवां, सर सिनो ट्रॉपस। देखिए ये बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओव्यूल कितने प्रकार का होता है, छह प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर आपको याद हो तो याद कर लीजिएगा, और ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस और इन सब के डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पूछता, वर्णन के बारे में नहीं पूछता है कितने प्रकार का होता है, इसलिए इस पर समय बिताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता। इनको इसलिए क्लासिफाइड किया गया है कि जो फ्यूनिकल होता है, माइक्रोपाइल होता है, कैलजा होता है, इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग इनको छह प्रकार के कर दिया गया। जैसे आर्थ्रोट्रापस में क्या होता है, जो फ्यूनिकल होगा यहाँ पे होगा, माइक्रोपाइल यहाँ, कैलजा, तीनों एक सीधी रेखा में पाए जाएंगे तो उसको आर्थ्रोट्रापस कहेंगे। और हमने जो फिगर बनाया है एनाट्रापस का बनाया है, मैंने आपको बताया था एनाट्रापस। तो माइक्रोपाइल और कैलजा सीधी रेखा में तो होते हैं, लेकिन फ्यूनिकल नहीं होता है। तो इसी तरह से ये सब क्लासिफाइड किया गया है, तो इस पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए आप यहाँ पर परेशान नहीं होंगे। एक चीज आप जान लीजिए कि आपसे ये कभी क्वेश्चन किया जाता है, ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे मेगा स्पोरेंजियम। क्या कहेंगे? मेगा स्पोरेंजियम। अगर आपसे कहा जाए कि पुष्पी पौधों में मेगा स्पोरेंजियम कौन है, मेगा स्पोरेंजियम कौन है, तो आपका आंसर होगा ओव्यूल। ओव्यूल को क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखिए इसी से संबंधित, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, ये देखिए, या किसे कहते हैं, ठीक है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, जैसे वहां पे हमने क्या पढ़ा था पीछे वाले वीडियो में, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस नरजननांग के अंतर्गत, यहां पे हमको क्या पढ़ना है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये सारी क्रिया कहाँ होगी? ओव्यूल में होगी।
अब आप जरा देखिए नाम से मेगा मीन्स क्या होता है, मेगा मीन्स बड़ा होता है, स्पोर बड़ा स्पोर हो गया, जेनेसिस का मतलब क्या हो गया निर्माण हो गया, तो मेगा मीन्स दीर्घ हो गया है ना, दीर्घ बीजाणु हो गया हाँ, और जेनेसिस का मतलब क्या हुआ निर्माण, ये जनन, दीर्घ बीजाणु जनन जनन, ये देखिए आ गया सब निकल के ना, तो बेटा यहां पे क्या होगा, जनन का मतलब निर्माण हो गया, जेनेसिस का मतलब निर्माण हो गया, कोई चीज बन रहा है, जनन में क्या होता है कोई चीज बनता है, ठीक है। तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे, ये कहां पे हो रहा है, मेगा स्पोरेंजियम, क्या है ये मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम में क्या पाया जाएगा, मेगा स्पोरेंजियम किसको कहेंगे बेटा, ओव्यूल को, आप ऐसा कह देना ओव्यूल में ना, ओव्यूल में किसका निर्माण, मेगा स्पोर्स, ओव्यूल में मेगा स्पोर्स हाँ, स्पोर्स के निर्माण को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये देखिए एक नंबर का सवाल हो गया, एक लाइन में हो गया सवाल, और यहां पर क्या होगा, मेगा स्पोर्स का निर्माण हुआ, ओव्यूल में क्या पाया जाता है बेटा, ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक, में मियासिस अर्ध सूत्री विभाजन से मेगा स्पोर्स अगुणित, पीछे बात हो चुकी है, बनने की क्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देखिए कितना सरल है, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या हो गया, मेगा स्पोर बनने की क्रिया को मेगा स्पोर ऐसे कह लेना, लेकिन किससे बन रहा है, मेगा स्पोर मदर सेल से, जिससे बनता है उस सेल को मदर सेल कहते हैं, तो मेगा स्पोर बन रहा है तो मदर सेल जुड़ जाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल से कौन सा डिवीजन हो रहा है, यह बात इंपॉर्टेंट है, अर्धसूत्री विभाजन, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जा रही है, ये अर्थात जो मेगा स्पोर है उस मेगा स्पोर में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी होगी, यन होगी, क्लियर। तो ये चीज यहां पर एक लाइन की परिभाषा, और बेटा जब आप ऐसे करोगे ना तो अब ये दो नंबर या तीन नंबर में रहेगा, इसको जब पूछा जाएगा तो और अच्छा बनाने के लिए 100% इसमें क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे छोटा सा एक ओव्यूल दिखाएंगे, सभी सेल को ऐसे हम ऐसे दिखा देंगे और इसमें एक बड़ी सी सेल ऐसे दिखा देना, और कुछ मत करना, यहां पर क्या कर देना, इसी को लिख देना आर्की स्पोरियल सेल, ठीक है। अब इस आर्की स्पोरियल सेल, ठीक, फिर इस आर्की स्पोरियल सेल इसी में चाहे लाइन बना के कर देना, इस आर्की स्पोरियल सेल में क्या होगा डिवीजन, तो क्या बनेगा, मेगा स्पोर मदर सेल है ना, तो यहां पर आर्की स्पोरियल सेल भी डिप्लॉयड, मेगा स्पोर मदर सेल भी द्विगुणित, अब यहां पे कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियासिस, मियासिस से क्या बन गया बेटा, मेगा स्पोर्स बन गया, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी, जब भी मेगा स्पोर्स बनेगा उसकी संख्या चार होगी, और ये जरूर लिख देना चार की संख्या में बनते हैं मेगा स्पोर्स, और ये जब भी बनेंगे एक लाइन में बनते हैं, क्या बनेंगे, एक लाइन में बनेंगे, रेखीय बनते हैं, क्या हो जाएगा, रेखीय बन रहे हैं, ठीक।
और आगे क्या लिखना होगा, ऐसे लिखना रेखी बनते हैं, इनका निर्माण रेखी होता है, चार बनेंगे लीनियर क्रम में बनता है, और इनमें से बाद में ऐसे बोलना लिखना बाद में तीन क्या हो जाते हैं नष्ट, एक बचता है। ये देखिए तीन क्या हो गए नष्ट, एक बचा जिसको हम फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब क्रियात्मक, क्या कहेंगे क्रियात्मक मेगा स्पोर कहते हैं। ऐसे लिख देना बेटा, आप क्या कहोगे देखो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, तो आप कहोगे मेगा स्पोर बनने की क्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यह मेगा स्पोर्स मेगा स्पोर मदर सेल में मियासिस डिवीजन से बनता है, इनकी संख्या चार होती है और ये रेखी क्रम में बनते हैं, लेकिन इनमें से तीन नष्ट हो जाता है एक बचता है, उसको हम क्रियात्मक या फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं। देखो सिंपल सा हो जाएगा ओके। तो अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर क्या बनाएगा, फंक्शनल मेगा स्पोर है जो ये बनाएगा इम्ब्रियोसैक, इम्ब्रियोसैक देखा था ना ओव्यूल में सैक लाइक थैलीनुमा संरचना, तो कहां से थैलीनुमा संरचना बनी किससे बनी ओव्यूल में मेगा स्पोर जब बना तो यही मेगा स्पोर वृद्धि करके थैलीनुमा संरचना बना लिया, इसी को हम फिर अब मेगा स्पोर न कह करके क्या नाम दे रहे हैं इम्ब्रियोसैक ओके। तो ओव्यूल से यहां पर इस बात की बात खत्म हो जाएगी, अब हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे, किस पर बात करेंगे, इम्ब्रियोसैक पर चर्चा करेंगे, मतलब इम्ब्रियोसैक क्या होता है और किससे बनता है ये चीज हम देखेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, इम्ब्रियोसैक होगा जो कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना तुम्हें हुआ। तो इस पर बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम क्या करें इस चीज को, अब इतना क्वेश्चन बिल्कुल तैयार रखिएगा, फिर अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा इम्ब्रियोसैक पे क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से एक एक चीज करके, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया था वीडियो बनाने में, लेकिन आप ये जान लीजिए दो दिन आपको पढ़ने का समय देंगे, तीसरे दिन आपके पास वीडियो नया होगा, आप चिंता मत करिए समय हमारे पास है, आपको बस ध्यान देना है कहीं से रिवीजन में कमी नहीं होनी चाहिए। बेटा गुड नाइट, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।